सर 5 to 10 lakhs भी कमा रहे हैं। अच्छा, डिपेंड ऑन सर सबका मार्जिन ना, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 6 प्लांट है अपने, अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग की खुद की मैन्युफैक्चरिंग। सारे कलर आपको ई रिक्शा में देखने के लिए मिल जाएंगे, यूज करते हैं सारे सर। CRC का अपना जो आयरन है वो CRC का है, तो सर हम डीलर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो। जिन पे वर्क है जैसे इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, फेसबुक हो गया, आपका 50 से 100 गज स्पेस होना चाहिए। देख सकते हैं हमने सारा सेटअप अपना बना रखा है, लिथियम भी और हर टाइप की बैटरी, कोई इशू नहीं है, लेड एसिड और लिथियम दोनों प्रोवाइड होती है। साथियों अगर आप भी भाई ई रिक्शा का डीलरशिप लेकर के 5 से 10 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं तो भाई इस वीडियो पर आप सही आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं भाई पूरा रोड मैप लेकर के आया हूँ कि भाई एक ई रिक्शा का डीलरशिप लेकर के आप किस तरीके से आप अपने बिजनेस को जो है प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से आप 5 से 10 लाख रुपए महीने के अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ई रिक्शा की आप डीलरशिप कैसे लें और ई रिक्शा की अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे आपको मिलेगा। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हमारे जो है मनोज भाई भी हैं और वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे पीछे जो है प्रॉपर ई रिक्शाओं का सेटअप है, किस तरीके से एक बिजनेस की शुरुआत जो है करनी होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से आप जो है एक अपना स्मार्ट बिजनेस जो है स्टार्ट कर पाएंगे और घर बैठे आसानी से पैसा कमा पाएंगे। तो सर जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक गंगा टीवी में। सर कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है हम। आप पहले एक बार परिचय करा दीजिए, जो हमारे दोस्त लोग हैं वो आपको एक बार पहचान पाए। सर मेरा नाम मनोज कुमार है। जी सर। और यहाँ पे सेल्स वगैरह मैं ही देखता हूँ सारी कंपनी की। जी जी जी। तो कोई भी सपोर्ट के लिए जरूरत होगी तो आपके लिए, सबके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। जी कोई सर। भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए सारा शॉर्ट आउट मिलेगा आपको। जी जी सर। दरअसल जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट में काफ़ी सारे लोग जो हैं ई रिक्शा का बिजनेस करके लाखों रुपया छाप रहे हैं, तो मतलब मुझे भी थोड़ी सी जिज्ञासा है कि मैं भी अगर डीलरशिप लेना चाहूँ तो एक तो ये है कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। सर अपने को कोई भी काम स्टार्ट करने के सबसे पहले क्या होता है कि स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप देख सकते हैं हमने सारा सेटअप अपना बना रखा है। हाँ जी। अब जैसे कि हमने सर अपने लेवल पे तैयार कर रखा है। जी। लोग क्या है कि अपना मिनिमम कम स्पेस में भी घर स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये है कि इतना स्पेस होना चाहिए कि अपने जिसके अंदर अपने 3-4 रिक्शा आराम से इजिली खड़े हो जाए। मात्र 3-4 रिक्शा आ जाए। हाँ, स्टार्टिंग के लिए डीलरशिप के लिए आपको मिनिमम 4 पीस आपको लेने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में 4 पीस आपको लेने पड़ेंगे। काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका 50 से 100 गज स्पेस होना चाहिए। अच्छा। जहाँ हम इजिली अपने रिक्शों को खड़े कर सकते। जी जी। एक बार आपका सेटअप देखना चाहेंगे सर। आइए सर आप देख सकते हैं। एक बार सर का सेटअप देख लेते हैं भाई, किस टाइप से इन्होंने सेटअप किया है भाई। ये देखिए प्रॉपर जो है इन्होंने कैबिनेट बनाया हुआ है जिसमें इनका वर्क चल रहा है अच्छे से। और मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी होती है ना, तो वो प्रॉपर जो है एक बड़ी सिटी में इस टाइप से अपना जो है बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई सर ने कैसा सेटअप किया। सर दिखाइए एक बार। सर देखिए जैसे हमारी टीम है अपना सारा वर्क कर रही है, जितना भी है क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह, जितनी भी लीड्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कराते ना कस्टमर को, जो डेली बेस पे आती हैं आपकी हर एरिया से आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बिजनेस हम भी जो डीलर होता है उसको हेल्प करते हैं कि कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सर ये सारी हमारी टीम है जो वर्क कर रही है, आप देख। जी सर। सर देखिए ये हमारी टीमें काम कर रही है अपना, जैसे हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो डेली बेसिस पे अपनी क्वेरी आती रहती है। तो सर हम डीलर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो, क्योंकि अगर वही वर्क करेंगे तो हमारा आगे और अच्छा काम बढ़ेगा सर। बिल्कुल सर। तो सर ये अपना टीम अपना डेली बेस की क्वेरी को हैंडल करती है। वैसे नॉर्मल डीलर के लिए तो मात्र जो है एक डेस्क काफी। हाँ, एक टेबल रिक्वायर्ड है बस, और उनका एक स्टाफ जो कस्टमर आएगा कोई भी उसको दिखा देगा। सेल्स टाइप से किसी को भी आप हायर करके। हाँ, या खुद भी बैठ सकते हैं। वैसे कुछ खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते, बस ये रिक्वायर्ड होता है। जी जी। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई ले रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा बना सकते। हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटरशिप में सर जो स्पेस होता है वो रिक्वायर्ड ज्यादा होता है, क्योंकि क्या है कि रिक्शे भी ज्यादा खड़े होने चाहिए, मिनिमम 10 रिक्शे खड़े होने चाहिए, तो शोरूम में उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर अट्रैक्ट होता है ना। आगे चलते हैं सर थोड़ा सा देखते हुए। तो देखिए भाई साहब ये है भाई कमाल का, इन्होंने ऑफिस अपना बनाया हुआ है, ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये अपनी टीम काम कर रही है सर, ये देखिए सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरीके से काम सोशल मीडिया वगैरह पे हैंडल कर रहे हैं सारा। हाँ जी। ओके सर, ओके। अब चलते हैं सर अपना जो है यहाँ पे ई रिक्शा जो है आपने खड़ी की गई है। जी सर। देखिए सर जैसे हमने अपना सेटअप बना रखा है एक नॉर्मल सा। हाँ जी। आज अच्छा, हमने 3 ई रिक्शा रख के और अपना ये कलर्स वगैरह दिखा रखे हैं जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती। अच्छा, है अपने। ये सब कलर में क्या ई रिक्शा मिल जाएगा? हाँ, सारे कलर मिल जाएंगे। अच्छा, सर सारे ऑप्शन कलर है। हाँ जी सर। ओके जी, ओके। ये अपना सर बेस मॉडल होता है MS। अच्छा सर। सर देखिए इसके अंदर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, कैटवुड के शॉकर, और टायर में भी ऑप्शन होता है सीएट और रालको। जी। अपने सर जितने भी है ना 95
100% प्रोडक्ट जो है ना सर, सबकी वारंटी है। अच्छा सर। हाँ, मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सारे सर। सीआरसी का अपना जो आयरन है वो सीआरसी का है जी। लिथियम बैटरी वगैरह सब कुछ सब प्रोवाइड हो जाएगी सर, लिथियम भी और हर टाइप की बैटरी, कोई इशू नहीं है। लेड एसिड और लिथियम दोनों प्रोवाइड होती है। हाँ तो सर, जो प्रोडक्ट है आपके, एक बार इसको जो है दिखा दीजिए कि भाई किस टाइप है। देखिए सर, हमारे मिरर है सब में, चाहे बेस मॉडल हो चाहे कोई सा भी, सब में स्टील की क्वालिटी यूज होती है। ठीक है जी जी जी। आपने देखिए सारा फ्रंट। अच्छा, ये एमएस में है। हाँ, एमएस और फ्रंट आपने एसएस का लगाया है। हाँ जी सर, हमारे सारे मॉडल में यही मिलेगा आपको, चाहे लोडर हो चाहे कुछ भी हो, सबके अंदर यही आपका। अच्छा अच्छा मिलेगा। तो इसका क्या नाम दिया गया है इस मॉडल का? एमएस मॉडल सर। अच्छा, एमएस मॉडल है। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं एक बार जो है इसको आपको साइड से दिखाना चाहूंगा कि इसके एक बार आप साइड प्रोफाइल देख लीजिए। जो कलर है, कलर ऑप्शन भी आपको कई सारे इसमें मिलने वाले हैं। और ये एमएस का यानी कि इनका बेस मॉडल है ई-रिक्शा में। और चेसी आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये देखिए कमाल का चेसी लगाया गया है, जो कि भाई डबल चेसी में यहाँ पर आपको ये जो ई-रिक्शा है वो मिलने वाला है। डबल चेसी है सर। जी सर, जी सर, डबल चेसिस का यूज किया हुआ है सर सारा। और देखिए आप थिकनेस भी देख सकते हैं सारी सर। हैवी क्वालिटी का यूज करा, मतलब लो क्वालिटी का कुछ भी नहीं है सर। जी जी। पेंट की क्वालिटी कैसी है सर? लिक्विड पेंट यूज। अच्छा, करते हैं सर। हाँ सर, ये डिजिटल मीटर है अपना सारा। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल टैब टाइप दिया गया है। हाँ, डिजिटल मीटर। और फ्रंट भी, आप फ्रंट लुक भी देख सकते हैं आपके, क्या बोलते हैं किस तरीके से पूरा। जी 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 जी। तो भाई ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो है डिजिटल मीटर मिलने वाला है, जो कि मिंडा का है। और सामने से अगर आप इसके लुक देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगा, मैं इसको अगर हटा दूँ प्लेट को, तो ये पूरी जो है एक फॉग लाइट है, एलईडीज में दी गई है। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये काम करती है। और आईकेट अप्रूव्ड सारे जो मॉडल्स हैं वो मिलने ही वाले हैं। और साथ ही साथ में भाई यहाँ पर ब्रांडिंग आप देख पा रहे होंगे, जो कि साथी का देखने में ना एकदम यूनिक सा लगता है दोस्तों। हालांकि कंपनी जो है काफ़ी साल से काम कर रही है, लगभग 2014 काम कर रही है ना कंपनी। हाँ जी सर। जी जी जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रंट में ही आपको जो है एक एलईडी का जो सर्किल लाइट है वो मिलने वाली है। बीच में भी आपको जो है एलईडी लाइट दी जा रही है। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपको जो फेंडर है वो मिंडा का मिलने वाला है। यहाँ पर डीप ग्रिप के टायर्स मिलने वाले हैं। टायर्स जो है रालको का भी मिल जाता है, सीएट का भी मिल जाएगा। क्यों सर, रालको सीएट ये सब सारे ऑप्शन है सर, कोई सुने जो कस्टमर मांगेगा उसके अकॉर्डिंग सब हो जाता है। और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। अगर कस्टमर को कुछ रिक्वायरमेंट भी है, थोड़ा बहुत रिप्लेस भी करना है, कुछ चेंज कराना है, तो सारा हो जाता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 6 प्लांट है अपने, ईच एंड एवरीथिंग की खुद की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा अच्छा। तो कुछ भी मॉडिफिकेशन करानी हो, कुछ भी हो, सब हो जाता है ये सर हमारा। जैसे दूसरा मॉडल आप देख रहे हैं ये एसएस में। अच्छा। इसके अंदर सारा आपको तो स्टील का मिलेगा सर, हंडे वगैरह जो होते हैं स्टील के हो जाते हैं। जी, जी। और फ्रंट ग्लास का तो जैसे मैंने आपको बताया है, सारा स्टील ही है सर। धरा जी सर। जी। और अपना सर जिंदल की स्टील को यूज करते हैं हम। अच्छा। ब्रांड भी दिखा सकते हैं आप। जी जी। हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कस्टमर परेशान होता रहा एक बार लेके, वो काम नहीं है सर। अच्छा अच्छा। सर यही मैं जानना चाहता था आपसे। और एक क्वेरी जो है वो सभी की है, मेरी भी है। तो ये है कि जैसे कि मेरे को कोई काम ही नहीं आता, मैंने अभी तक कोई डीलरशिप का काम नहीं किया है, तो उसके लिए कंपनी की तरफ से, आपकी तरफ से मेरे लिए क्या हेल्प रहेगी अगर मैं नया डीलर बनता हूँ तो? सर देखिए दो तरह से, एक तो क्या है कि सर देखिए पहले मिनिमम कुछ भी काम स्टार्ट करने के लिए अपने को स्पेस का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, स्पेस चाहिए अपने पास, मिनिमम 50 से 100 गज का स्पेस होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है सर, एक अपने को जीएसटी नंबर चाहिए होता है। अच्छा। क्योंकि बिजनेस को आगे रजिस्टर करना पड़ता है, तो बिगर जीएसटी के नंबर के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और मिनिमम फंड की भी रिक्वायरमेंट होती है सर। मिनिमम जैसे 4 पीस लेंगे तो आपको 5 लाख के अराउंड की आपकी कॉस्टिंग पहुँच जाती है सर। अच्छा अच्छा। और सर बाकी कंपनी की तरफ से तो आपको सारी सपोर्ट है, कोई भी इशू होता है जितने भी अपने ऑनलाइन। नहीं, मैं सपोर्ट ही जानना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट आप क्या क्या दे पाएंगे सर। सारा तो सपोर्ट है, जितना भी आपके कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जाके आपकी हेल्प करी जाएगी। और वैसे तो सर कोई इशू नहीं आता, बाकी फिर भी आता है तो टोल फ्री नंबर है। जैसे बैटरी वगैरह में इशू आता है तो आप टोल फ्री खुद भी कॉल करके डीलर पॉइंट पे आपके सारे काम हो जाएंगे। सब प्रोडक्ट में वारंटी है अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऑनलाइन लीड्स वगैरह तो आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे प्रोवाइड होती है, क्योंकि हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म पे काम है तो डेली बेस की लीड्स आती रहती हैं। जी जी जी। तो उन लीड से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा सर? क्यों नहीं मिलेगा सर, सारा बेनिफिट ही है आपको, क्या बोलते हैं हम खुद कस्टमर दे रहे हैं ना आपको, आपको तो बस उसको अप्रोच करके अपने पास बुलाना है आपको। जी जी जी। और बाकी तो कस्टमर है ही है, रेडी करके अप्रोच इतना करना पड़ेगा सर। देखिए आप काम करेंगे तो हमारे ही। मान लीजिए मैं बिहार से डीलर बनता हूँ। ठीक है, बिहार में मैंने डीलरशिप अपनी ले ली है। हाँ जी सर।
तो सर वहाँ पे अगर आपको मुझे कोई लीड प्रोवाइड करानी है तो वो आप कैसे कराएंगे आप? सर हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है। अच्छा। जैसे जिसमें आप होंगे, मैं आऊँगा और मेरे स्टाफ होंगे, तो जो भी डेली बेसिस की लीड आएंगे आपको लीड आती है। हाँ, जैसे क्या है हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, अब जैसे आप आए हुए हैं हमारे पास, ऐसे हमारे और भी भाई बंधु जो आते हैं, ठीक है, तो उनके पास वो हमें कॉल करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो हमारे डीलर होते हैं उनके पास वो लीड्स प्रोवाइड करा देते हैं। हाँ, फिर डीलर्स का काम रहता है कि उनको अपने पास अप्रोच करके बुलाना और उसको सेल करना। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी काम हमारा हो जाएगा। हाँ जी सर। तो दोस्तों इस टाइप से आप जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सर लोडर आपका? हाँ ये सर देखिए, सर जैसे ये लोडर का मॉडल है, इसमें भी सारा सर ब्रांड मॉडल है। सर प्यारे मॉडल बनाते हैं ताकि प्यारे नहीं बनाएंगे तो लेगा कौन। हाँ, तो सर अपना क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। देखिए इसमें भी सारा स्टील का है और अपना ये जैसे एक मॉडल है इसमें भी साइजेस का भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है कि कुछ कराना हो उनको चेंजेस वगैरह। यानी कि पूरा जो कार्गो है वो भी कस्टमाइज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक बार ना ये देख लेते भाई इनका जो कार्गो है भाई वो किस टाइप का है। सर देखिए क्वालिटी वगैरह भी कोई कंप्रोमाइज नहीं, अच्छी क्वालिटी हैवी क्वालिटी का यूज करते हैं, तो कस्टमाइजेशन से सारी हो जाए। जैसे हमारा अपना नॉर्मल साइज है हम रखते हैं ना सर, आप कस्टमाइज कराना चाहते हैं कोई कोई जैसे क्वांटिटी में कुछ क्या है, आजकल हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे, ई कार्ड भी होता है, गार्बेज भी होता है, और भी किसी को मॉडिफिकेशन करानी है सर सब चीजें हो जाती है, क्योंकि हमें कोई इशू नहीं आता सर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। सर इसमें जो मोटर आप लगाते हैं, कंट्रोलर्स लगाते हैं? सर 1200 वाट की मोटर यूज करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और ये जो ई रिक्शा है उसमें सेम ही है सर 1200 वाट का, बट हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा। अगर किसी को 1500 वाट में भी कन्वर्ट कराना है तो वो भी कर देते हैं। वो भी कर देते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो खैर ऑप्शन सर सब चीज में है, जैसे कस्टमर अब कोई 5 बैटरी में ही मांगता है तो हाँ, वो भी कर देते हैं। अच्छा, 5 बैटरी वाला भी? हाँ, क्योंकि क्या है कुछ एरियो में जैसे बिहार वगैरह में क्या है, हाँ, वहाँ हाँ, पे 5 बैटरी का भी चल रहा है आज के टाइम में, जी जी, तो हम वो भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा। बट हमारा जो नॉर्मल बेस वेरिएंट है ये सब में 4 बैटरी का यूज होता है। जी जी जी। तो सर ये तो हमने जो है आपके मॉडल देख लिए हैं, बाकी मैं अपने दोस्तों से जो है दिखाने वाला हूँ कि भाई ये जो कलर आप देख रहे हैं, जी जी, ये सब मिल जाएंगे, सारे कलर मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई ये लगभग सारे कलर आपको ई रिक्शा में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, केवल जो दिए गए नंबर हैं उन पर कॉल करना है, कलर आप अपने बता देना है, आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं, और जो सर है सर का नंबर जो है आपको मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ जो चीज़ें हैं जो जो प्रोडक्ट हैं वो आपको सब दिखाए जाएंगे। और जैसे कि दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको ये लोडर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कहते हैं पहले कस्टमर एक बार विजिट करें, सारी फैक्ट्रियाँ देखें, तो उनको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हमारा वो काम नहीं है कि हम ट्रेडिंग वाला, बहुत सी कंपनियाँ क्या है ना ट्रेडिंग कर रही है, इधर से बनवाया कुछ, इधर से बनवाया, इधर से ज्वाइन कर लिया, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ तो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट पर सबको जो भी डीलर आते हैं पहले विजिट कराते हैं, फुल सेटिस्फेक्शन कराते हैं कि देखिए सब हमारा है, सब चीज़ में कोई इशू नहीं आएगा सर, तो रेट भी उसी के अकॉर्डिंग हम। जी सर। अच्छा, डीलरशिप कहाँ कहाँ दे सकते हैं आप? सर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहते हैं डीलरशिप को। अच्छा, अभी आपकी कहाँ कहाँ पर है? सर पैन इंडिया ही चल रही है वो तो। हाँ। अच्छा, बट क्या है कि कुछ ना कुछ एरिया तो रहते ही हैं सर, तो हाँ। अभी सभी जगह रिक्वायरमेंट बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिल जाती है, CNS भी है अपने पास ऑप्शन, वो डीलर्स वगैरह कस्टमर के ऊपर बजट के ऊपर सर डिपेंड करता है कि उनका कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जी। तो दोस्तों जैसे कि सर ने आपको बता ही दिया कि भाई डीलरशिप लेने के लिए कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान से चीज़ें हैं, बाकी सर आपको और भी ब्रीफ कर देंगे, जो मैंने नंबर दिया है सीधा उस नंबर पर आपको कॉल करना है और सर जो है आपको गाइड करेंगे, बताएंगे आपको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लाखों रुपया भाई मार्केट में बैठे हुए लोग छाप रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई ई रिक्शा की डीलरशिप लेकर के आप ना प्लस में रहेंगे, यानी कि मुनाफे में ही आप कमा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि साथी की ई रिक्शा है, अगर आप कोई ब्रांडेड ई रिक्शा लेते हैं तो उसमें भाई आपको जो है सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, और फैसिलिटी जैसे कि सर ने बता ही दिया कि पूर्ण रूप से सोशल मीडिया का जो इनके पास प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी आपको जो है हेल्प की जाती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया मार्ट पर इनकी खुद की साइट है, वहाँ से अगर कोई लीड आती है तो जो सेम लीड आप जिस सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं आपको भेज दी जाएगी, उससे आप अपने जो ग्राहक है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और ये जो प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं उनको आप जो है दोस्तों दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर आप देखेंगे CY गोल्ड की मोटर, HRS की मोटर, और TNR है जी, और कौन सी कंपनी है सर?
सी वाई है सर, TNR है, 999 है, TCU है, सारी ब्रांड के मिल जाते हैं जी जी। तो इस टाइप से जो है सारी ब्रांड की जो मोटर्स हैं वो मिल जाती हैं, वो सेम ही जो है आपको कंट्रोलर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और जैसे शोकर्स हमने बताए तो यहाँ पर आप देखेंगे कैट गुट के जो है यहाँ पर शोकर्स मिल जाएंगे आपको। चक्का जो है आप देख पाएंगे काफ़ी भारी जो चक्का है वो मिलने वाला है, और साथ ही साथ में भाई अलॉय व्हील्स भी मिलने वाले। क्यों सर अलॉय व्हील्स? हाँ, अलॉय व्हील का सर एक्स्ट्रा ऐड ऑन है, अगर कस्टमर कराना चाहता है तो वो भी हो जाता है। अच्छा, वो भी हो जाता है। अब दोस्तों जैसे कि अगर मैं थोड़ी सी आपको एक मजबूती की बात हो जाए, तो मजबूती की अगर देखा जाए तो मैंने आते के साथ सबसे पहले ये देखा है यहाँ पर जो ये नाल है ना वो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए चेसिस सर जो है जी उसकी यूज कर रहे हैं, मतलब हैवी क्वालिटी, मतलब कोई इशू नहीं आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने ई रिक्शाओं में ज्यादातर यही देखा है सर, वो छोटी सी डबल चेसिस सब पे है भी नहीं, और क्वालिटी भी जो है बहुत लो यूज कर रहे हैं। हमारा सर सबसे अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारी वीडियो देखते हैं और मैं ये जानना चाहूंगा उनके लिए आप जो है क्या छूट सकते हैं सर? वो तो सर के सेल्स पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा सेल्स बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्कीम्स बढ़ती जाती है हमारे पास। मतलब स्कीम कुछ मिल जाएगी हमारे दोस्तों को? हाँ सर, क्यों नहीं मिलेगी, जितनी ज्यादा मतलब क्या है, डीलर कोई बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, जितनी सेल करते हैं तो सर हम भी उनको इंसेंटिव स्कीम देते हैं मंथ एंड में अपना। अच्छा। जितनी सेल होती है उसके अंदर एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। अच्छा। तो कस्टमर को बेनिफिट ही होता है सर ऐसा। अच्छा, कुछ गिफ्ट वाउचर वगैरह? हाँ, सब चीजें प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, वो होती रहती है समय समय पर? वो तो सर चेंजेस होते रहते हैं, जैसा जो दोस्त हमारी वीडियो से जुड़ करके आप तक आ रहे हैं और जो न्यू डीलरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि क्या वो जो है कुछ छूट प्राप्त कर सकते हैं हमारी वीडियो दिखा करके? सर सब चीज मिलेगा सर, एक बार वो कांटेक्ट तो करें। अच्छा। फिर बाकी काम हमारा है, उनको कैसे कराना है, क्या कराना है जी जी। तरीके हम बताएंगे सर, अपने आप सेल भी कैसे बढ़ेगी सब चीज़ें। अच्छा, सेल करने का तरीका भी सब बताएंगे सर, जो भी उनको हेल्प चाहिए, क्योंकि बहुत से न्यू होते हैं उनको पता नहीं है, तो हम सब बताएंगे किस तरीके से उनको बिजनेस स्टार्ट करना है और क्या क्या हम हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा, आपके जो डीलर बने हुए हैं वो लगभग महीना का कितना कमा पा रहे हैं? सर डीलर का तो देखिए उनके मेहनत के ऊपर होता है बेसिकली, लेकिन फिर भी जो सर 5-10 lakhs भी कमा रहे हैं। अच्छा। डिपेंड ऑन सर, सबका मार्जिन डिफरेंट डिफरेंट एरिया का अलग होता है, मतलब फिक्स नहीं होता किसी का। अच्छा। बट ये कि इतना मिनिमम होता है कि 5-10 lakh rupees अर्न कर सकते हैं, कर सकते अगर वो प्रॉपर वर्क करेंगे अपनी टीम को ढंग से, तो ज़्यादा भी कमा सकते हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो एक जो है बेहतरीन बिजनेस कह सकते हैं इसको। हाँ सर ऑफकोर्स, और इसमें सर कोई लॉस वाला तो है ही नहीं। देखिए सर, आप जिस रेट में खरीद रहे हैं आपको लगता है कि कोई लॉस है, वो तो है ही नहीं सर, मार्केट में हमेशा अप पे ही बिक रहा है, जो भी मार्जिन लॉस वाला कुछ भी नहीं है सर। जी जी जी, बहुत से होता है ना कि हमारा लॉस हो जाएगा, हमने वो कर लिया, लॉस वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा या कुछ, ऐसा काम है ही नहीं सर। जी सर, आपने जो है काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दोस्तों को दी है, सो इसके लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।